press the bell icon for all the updates. Welcome to Tell Masala Hockey. सबसे पहले तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? Because last time we spoke, अलग ही इक्वेशन पे आप मिले थे हीना से. इस बार कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो क्या है ना कि जब आप किसी इंसान को खुद मिलते हो और उनके साथ जो कम्पीट कर रहे हैं उनसे मिलते हो तो इट वाज अ वेरी वेरी वार्म एक्सपीरियंस. स्पेशली जब मैं उनके बेस्ट सेल्फ से मिल रहा हूँ, यू नो द मदर ऑफ एवरी कंटेस्टेंट, वो उनका बेस्ट सेल्फ है एक्चुअली जो कम्पीट कर रहे हैं उनके. सो मेरे ख्याल से वो दैट चेंज्ड आवर हार्ट्स एंड मुझे ऐसा लगा कि सब लोग बहुत अच्छे हैं और सारी ओपिनियंस इट डिड नॉट इवन मैटर नाउ कि वो क्या सोचता था मैं और वो क्या कॉम्पिटिशन है और कुछ भी. So it was a very, very positive and warm experience. Yeah, I'm sure. अच्छा, दो टास्क हुए पड़ोसी घर में रहे आप. टास्क का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हम देख रहे थे यू नो ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे थे आपके और कहीं ना कहीं मॉम्स जो थे ऑब्वियसली दे वर बीइंग मोर प्रोग्रेसिव एंड ऑल दैट. सो वो एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना? सी मॉम्स आर एनी विच वेज पोजेसिव अबाउट देयर चिल्ड्रन. ऑलराइट, तो ऐसा होता है कि अगर एक मम्मी को ऐसा लगता है कि उनके बेटे के साथ अनफेयर हो रहा है, क्योंकि अब सारी मम्मियाँ हैं और हम सिर्फ तीन थे जो वहाँ पर मम्मियाँ नहीं थे, तो ऐसी सिचुएशन थी कि हमको सारी मम्मियों के साथ हमको थोड़ा सा फेयर भी करना था और ऐसा भी करना था कि किसी एक मम्मी का दिल ना दुख जाए, किसी को बुरा ना लग जाए. सो दैट वाज द एग्जैक्ट थिंग व्हाट वी वर गिविंग अप फॉर एवरीथिंग. मतलब हम सब कुछ यही कर रहे थे कि किसी तरह किसी मम्मी का दिल ना दुख जाए और हमने अल्टीमेटली आई थिंक वो अचीव किया बिकॉज सबको मिलने का मौका मिला. अच्छा, हीना से मिले आप, किस क्या बातें हुई? क्योंकि लास्ट टाइम बातचीत नहीं हो पाई थी, इस बार क्या टिप्स दिए सोच के गए थे? कोई टिप्स नहीं दिया और कोई ऐसी बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि बिग बॉस ने हम पे एक फेवर किया और हमको सब लोगों को मिलने का मौका मिला, विच वी आर वेरी थैंकफुल टू बिग बॉस फॉर. और हमको ऐसा लगता है कि इस वजह से शायद हमको वक्त बहुत कम मिला, मुश्किल से एक दो मिनट हमको मिले होंगे. या तो इट वॉज़ वेरी टाइट, बट हीना बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि एक बहुत इमोशनल चीज़ थी. बहुत दिनों बाद हम वापस मिल रहे हैं और इस बार हम दोनों ने कोशिश की कि कोई इमोशनल ना हो. हीना ने भी कोशिश की कि वो इमोशनल ना हो उससे पहले, क्योंकि हम सब इमोशनल हो चुके थे क्योंकि उन लोगों ने हमको गिफ्ट्स वगैरह दिए थे. सो उनसे मिलकर हम ज़्यादा तो बात नहीं कर पाए, पर हीना ने मुझसे बोला उसका आईफोन एक्स आया कि नहीं, मैंने उसको बताया आ गया है. सो ऐसी बात हुई हमारे घर के अंदर. सोच लो तो हम कैसा गेम प्लेयर हो सकते हैं, आप सोच सकते हो. अच्छा, आपके लिए पर्सनली कैसा एक्सपीरियंस रहा बिग बॉस में घर में एक्चुअली रहने का? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं मैं कैमरा के बिहाइंड रह चुका हूँ, मुझे पता है कि अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैसे काम करती है, थोड़ा बहुत पता है मुझे, थोड़ी बहुत जानकारी है. पर एक रियलिटी शो पे कैमरा के सामने होना एक बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग होती है, खासकर जब आप ऐसी सिचुएशन पे हो जब आप अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को अच्छी तरह से पॉइंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने किसी की मम्मी है. तो अब किसी मेरी अगर मेरी मम्मी भी वैसी सिचुएशन में होती तो मैं भी चाहता कि लोग उनको यू नो थोड़ा सा अच्छे से टैकल करे और पैम्पर करे. मैंने अपनी तरह से वही करने की कोशिश की है और आई होप कि किसी भी मम्मी का दिल ना दुखाओ, ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. मुझे बहुत अच्छा लगा एंड एक दीवार दूर था मैं हीना से वो पूरे टाइम, तो ऐसा लग रहा था कि किसी तरह दीवार तोड़कर उस पार चला जाऊँ. अच्छा, अकेला भी आकाश और विकास की मॉम के बीच में यू नो थोड़ी सी अनबन भी हुई जो हमने देखा, उसे आपने बड़े अच्छे से टैकल भी किया. सी दोनों मम्मियाँ ना दे बिलोंग टू टू डिफरेंट वर्ल्ड्स. ठीक है, अब आकाश की मम्मी एक सिंगल मॉम रह चुकी हैं, जो मुझे पता चला उनसे बात करने के बाद, शी इज़ वेरी गुड टू टॉक एंड वेरी वेरी बहुत अच्छे हैं दोनों मम्मियाँ. और वो US में रही हैं, उन्होंने पाला पोसा है, अपने बच्चों को बड़ा किया है, तो वो ऑब्वियसली बहुत पोजेसिव हैं. और उन्होंने अपने आकाश के बारे में हम सबको पता है कितनी सारी बातें हुई हैं शो के अंदर शो के बाहर. सो एक माँ थोड़ी सी तो पोजेसिव हो जाती है और उनको थोड़ा सा तो ऐसा लगता है कि यार मेरे बेटे के बारे में कोई मत बोलो, वही एक एक्सप्रेशन उनका वहाँ पर निकला. विकास इज़ मॉम बिलोंग्स टू अ डिफरेंट वर्ल्ड. वो शायद घरेलू थी और उन्होंने खुद बहुत सारा काम भी किया अपनी ज़िंदगी में, जैसा कि वो मुझे बता रही थी. वो योगा बहुत अच्छा करती हैं, सिखाती हैं, सैकड़ों लोगों को सिखाती हैं, तो वो भी अपने एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे से सामने रख पाती हैं. और उनकी पूरी फैमिली भी बहुत एक्सप्रेसिव है, जैसा कि मुझे आंटी ने बताया. तो सिर्फ वो दोनों के एक्सप्रेशंस एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको लगा कि दोनों में अनबन हुई है. अनबन एज सच कुछ नहीं हुई थी और दोनों मम्मियों ने फिर थोड़ी देर बाद उसको सॉर्ट आउट भी कर लिया था. अच्छा, हीना को किचन में भी देख लिया, उनकी कुकिंग स्किल्स कैसी लगी? बहुत सरप्राइजिंगली अच्छी लगी और एक्चुअली थैंक्स टू शिल्पा, उसने बहुत हेल्प की
हिना की, और हिना ने भाग दौड़ के कैसे कैसे करके उसने वो खीर बनाई। वो खीर एक्चुअली मेरे टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल एप्ट थी, और क्योंकि उसमें बहुत कम शक्कर थी थोड़ी सी, और मुझे वैसी ही खीर पसंद आती है, और उसने थोड़ी देर उसको फ्रिज में भी रखा तो मुझे ठंडी खीर पसंद आती है। सो शी वॉज़ वेरी थॉटफुल के वो मेरे लिए कुछ करे, जबकि वो वहाँ पे है और मैं चाहता था कि मैं उसके लिए कुछ करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत इमोशनल पीरियड था वो मेरे लिए वहाँ पे। अच्छा, नाउ दैट यू हैव सीन द गेम, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, अब क्या लगता है, क्योंकि बहुत ही कम खाली 15 दिन बचे हैं, अब क्या लगता है विल मेक इट टू द टॉप? आई स्टिल से सी, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग बहुत अच्छे, क्योंकि जब आप पर्सनली मिल लेते हो, और खासकर जैसे मैंने आपको बताया, वी मेट द बेस्ट सेल्फ ऑफ द कंटेस्टेंट्स, लाइक उनकी मम्मियों से मिल चुके हैं हम, यू नो। तो अगर किसी का ऑल्टर ईगो अगर मैं बोलूँ उनकी मम्मी है, तो वो इतनी अच्छी हैं, तो मैं उनको कैसे बोलूँ कि आप शो जीतना डिज़र्व नहीं करते। सो आई वुडंट बी सेइंग कि कोई और डिज़र्व नहीं करता है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी तक की जर्नी अगर मैं वापस कंसिडर करूँ, तो मुझे अगर मैं सिर्फ एज अ न्यूट्रल व्यूअर भी बोलूँ, तो मेरे हिसाब से हिना को या तो विकास को और या तो शिल्पा को जीतना चाहिए। बट स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि इन तीनों ने आज तक अपने हिसाब से अच्छा किया है। विकास और शिल्पा से ज़्यादा मैं हिना का नाम पहले इसलिए लेता हूँ क्योंकि उन्होंने आज तक अपना गेम बदला नहीं है। वो जैसी थी वो घर के अंदर वैसी ही हैं, वो अपनी गलतियाँ करती हैं, उस गलतियों के बाद उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करती हैं, एलिजिन से शिफ्ट नहीं करती, दोस्ती से पलट नहीं जाती, किसी के बारे में जो कहती हैं वो उसके मुंह पर कहती हैं। विकास अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है गेम के लिए, और अगर आपके पास दिमाग है तो आप इस्तेमाल क्यों नहीं करोगे। जो इसलिए मुझे सेकंड फेवरेट मेरे विकास हैं उस घर में और हमेशा रहेंगे। शिल्पा इसलिए क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपको आप उसको थोड़ा सा देखना चाहते हो, बिकॉज वो थोड़ी सी क्यूट हैं और उनकी एक अपनी बात करने का तरीका है, तो और आज तक वो काफ़ी स्ट्रांग रही हैं गेम में। तो मैं चाहता हूँ कि ये तीन मेरे टॉप थ्री होने चाहिए। इमेजिनरी रिंग, इस बार मैंने उनको जाकर बताया ना कि आपका आईफोन 10 इंतजार कर रहा है। एक्चुअली उन्होंने हमारे लिए किया, उन्होंने हमको गिफ्ट्स दिए, उन्होंने उसने अपनी कॉफ़ी दे दी मुझे, विच वॉज मैं बिग बॉस को कितना रिक्वेस्ट किया मैंने कि प्लीज़ क्या मैं कॉफ़ी उसको रिटर्न कर सकता हूँ, बिकॉज उसको और मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, और जो हमको जानते हैं उनको पता है कि हम कॉफ़ी के कितने बड़े फ़ैन हैं। तो उसने अपनी कॉफ़ी गिव अप कर दी, वो भी बिग बॉस के घर में, वो भी मेरे लिए, इट वॉज़ अ वेरी बिग थिंग। सो अब मैं क्या दूँ उसको, उसने तो मतलब मुझे बहुत इमोशनल कर दिया। एब्सोल्युटली वेरी एक्साइटेड फॉर द फिनाले एंड काउंटिंग एवरी मिनट। अगेन एंड अगेन आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम हेड्स डाउन वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि हिना की गैर हाजिरी में आप उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ आउट ऑफ माई मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग से बाहर की बात है कि इतना ज़्यादा प्यार कोई कैसे कर सकता है। यू बीन फॉर देयर फॉर हर एंड आई विश एंड आई प्रे एंड आई रिक्वेस्ट कि आप उसके लिए हो हमेशा, उसको वोट करो और कोशिश करो कि हम उसको ये शो जिता पाए।